कैसी है जनता, शेर इधर। और ये जो मेरा वीडियो है, ये मैं बनाना चाहता हूँ वाइट एंड डार्क। एंड वाइट एंड डार्क ऐसा कुछ होता नहीं है। हम जो दुनिया में रहते हैं, हमें दो एक्सट्रीम से लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, अच्छा बुरा, काला गोरा, सुबह रात, दिन रात हो गया। तो ये सब जो टर्म है, एक्सट्रीम है, ये जो टू एक्सट्रीम टर्म है, इस पे बिलीव कभी मत करना। कम इन टू द सेंटर। आप बोलोगे कि मैं इंडियन हूँ और अमेरिकन गधे हैं साले। तो पहली बात मैं बता दूँ यार, अमेरिकन और इंडियन छोड़ो यार, वो हटाओ हटाओ, वो सब छोड़ो, वो सब दुनिया वालों ने टर्म दिया है। आप अपने अंदर आके देखो कि उसके अंदर और आपके अंदर, दोनों के अंदर जो तत्व है वो एक ही तत्व है। उसके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है जो आपके अंदर है। इवन ब्राज़ील, जो पूरी दुनिया में यार, पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, चलो इंसानों को ही ले लो, सबके अंदर मूल तत्व एक ही है। बस किसी गधे ने जाके लकीर बना दी है कि यहाँ इधर से इधर तक अमेरिका, इधर से इधर ब्राज़ील, इधर से इधर स्पेन हो गया, इधर से इधर इंडिया हो गया, और सेपरेशन बना दिया। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि कर्मा जैसा तो कोई कुछ होता नहीं है। मेरी थ्योरी के हिसाब से जो सोल है, जो सफ़र कर रही है, उसी ने 4-5 सोल्स के साथ जाके एग्रीमेंट किया कि तुम मेरी मतलब तुम जब हम सब जब नीचे होंगे तो तुम मेरे साथ ये बुरी हरकतें करना, समझ रहे हो, ये बुरी हरकतें। अब मैं आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट नेम्स, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी सफरिंग का नाम दे सकते हो। तो उसी सोल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा चीज़ किया अपने साथ, ऊपर जाके स्कैम हो गया उसके साथ। ऊपर जाके स्कैम होने का मतलब है कि जब आत्मा प्योर फॉर्म में चली जाती है तो जो छोटी छोटी चीज़ें देखती है, और शायद उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग और शायद एलियंस उनको मैन्यूपुलेट करते हैं और गलत गलत चीज़ें दिखा के उनको सफरिंग में वापस भेज देते हैं। बट ये बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है, मैं इस पर एक बहुत ही अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि यार, आप अपने साथ जैसा बिहेवियर चाहते हो वैसा आप दूसरों के साथ शुरू कर दो करना। अगर समझो आप एक चोर की दृष्टिकोण से देखो, एक चोर दूसरों का फोन वोन चोरी करता है, हाँ, तो अब एज अ चोर आप सामने वाले को अपने आप को रख के देखो कि क्या आप अपना सोना या पैसा या फोन चोरी करोगे? नहीं चोरी करोगे ना। अगर कोई इंसान सामने वाले को डांट रहा है तो आप अपने आप को रख के देखो सामने कि क्या आप खुद को डांटोगे? नहीं ना। कोई किसी को मार रहा है, किसी का रेप कर रहा है, किसी से चोरी कर रहा है, चोरी कुछ भी हो सकती है, किसी को धोखा दे रहा है किसी के पीठ के पीछे, तो जिसको भी वो पीठ के पीछे धोखा दे रहा है, आप अपने आप को वहां पे रख दो जरा। क्या आप अपने आप से कभी पीठ के पीछे आप धोखा दोगे? नहीं दोगे ना। तो कर्मा छोड़ दो, मैं यहाँ पे कर्मा की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी खुद की बात कर रहा हूँ। तुम जब अभी चोर का एग्जाम्पल मैंने बहुत ही इजी से समझा दिया, अभी चोर किसी का फोन चोरी करता है, पैसा चोरी करता है, अभी वो चोर को बोलो कि तू खुद चले जा सामने अभी, और अब तू बता तू ऐसा होने देगा क्या? वो बोलेगा नहीं, नहीं होने दूंगा मैं। यही बात है, आपको जैसा, आप खुद को जैसा चाहते हो कि लोग ट्रीट करे वही चीज़ आप सामने दो। वर्ल्ड इज जस्ट अ मिरर। वो चाय वाला भी तुम हो, वो ठेली वाला भी तुम हो, वो गाड़ी में जो बंदा जा रहा है वो भी तुम ही हो। हर इंसान तुम ही हो। जो जो आपको दिखता है ये रियलिटी, ये सब फेक है। तो आप अपने साथ जैसा ट्रीट करना चाहते हो वैसा ट्रीट करो। अब आप ये सोचोगे यार, ये इंसान झाड़ू क्यों लगा रहा है, मतलब ये झाड़ू क्यों लगा रहा है, ये चाय क्यों बेच रहा है, ये सब काम क्यों कर रहा है, मतलब क्यों मतलब बेसिक तत्व इसमें ये है कि सफरिंग क्यों कर रहे हैं ये लोग। बहुत सारे लोग सफर क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर सफरिंग। तो सफरिंग, मेरी नॉलेज तो मुझे मिली है कि सफरिंग एग्जिस्ट इन द माइंड। सफरिंग जो है वो माइंड में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर किसी ने छत से कूद गया कोई इंसान, और अगर वो 100% प्रेजेंट मोमेंट में रहा तो वो बोलेगा, तो फिर जैसे ही वो नीचे गिरता होगा, एक फ्लोर वाला उसको पूछेगा
कि भाई तेरे को डर नहीं लग रहा, तो बोलेगा अरे अभी तक नीचे नहीं गिरा हूँ, जब नीचे गिरूंगा तब देखूंगा। सफरिंग एग्जिस्ट इन द माइंड। एंड ये सब जो मैंने कहा ये अपने रूल लाइफ में अप्लाई करो, कि सामने वाले को तुम खुद देखो कि अरे मैं ऐसा हूँ। कोई लड़की है किसी के तुम चीट कर रहे हो, तो तुम खुद को रख के देखो, क्या मेरे साथ ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा मुझे? आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। और भगवान से कुछ मांगना बंद करो यार। तुम भगवान से इतना मांगते क्यों रहते हो कि भगवान ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे? अरे क्यों यार, तुम भगवान के वहाँ पे बिजनेस खोल के बैठे हैं क्या कि तुम भगवान से मांग रहे हो कि ये दे दे भगवान मुझे, वो दे दे भगवान, ये कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे? यार भगवान से मांगना बंद करो यार। मंदिर में जब जाते हो ना, तो मन को खाली कर दो, और कुछ ऐसा भगवान से अपेक्षा मत रखो कि मेरे को भगवान ये ला के दे, भगवान मुझे वो ला के दे, मैं तभी ये करूँगा, तभी वो करूँगा। भगवान से कुछ मांगना बंद करो पहली बात तो। डोंट आस्क एनीथिंग। मंदिर में जाओ, जो तुम्हें करना है शांत दिमाग से करो, दिमाग शांत रखो और आ जाओ। भगवान से मांगना बंद करो। तुम खुद भगवान हो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जिसकी पूजा करते हो वो करना छोड़ दो, वो तुम्हारी खुद की जर्नी है, वो तुम खुद देखो। अपने आप को दूसरों में डाल के देखो कि यार, क्योंकि यार अगर वो सिचुएशन में आप होते आप भी वही करते, अगर आपको भी मैं वैसी ज़िंदगी देता आप भी वैसे ही रहते, आप में भी कोई बदलाव नहीं रहता। कोई इंसान नशा कर रहा है, क्यों नशा कर रहा है? क्योंकि उसकी स्थिति वैसी चल रही है। आप भी अगर उस स्थिति में होते तो शायद आप भी वही करते, या फिर उससे बुरा करते, या फिर कंट्रोल करते। कंट्रोल भी एक इंसान कब तक करेगा, जब तक टॉलरेट कर पाएगा? जिस दिन टॉलरेशन ख़त्म उस दिन वो भी वही करेगा ना। तो किसी को ऐसा मत सोचो कि मुझे मुझे ये करना है, किसी आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। इस ये लोग अभी तक गवर्नमेंट में क्यों विश्वास रख रहे हैं, इनको ये लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? लीव एवरी थिंग एज इट इज, ओके? किसी को चेंज वेंज करने की कोशिश मत करो। आप खुद अंदर आ जाओ, खुद मेडिटेट करो, एंड ये सब आपकी खुद की जर्नी स्टार्ट करो। और मैं इस वीडियो में एक चीज़ और एक बताना चाह रहा हूँ कि आफ्टर डेथ वाली चीज़ों को देखना और सुनना, रिसर्च करना इस पे ज़्यादा करो, क्योंकि क्या होता है, ये विशियस साइकिल में आपको वापस से तो आना है नहीं, क्योंकि डेफिनेटली सफरिंग एग्जिस्ट करता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये साला वो रास्ते पे किसी के जूते साफ़ कर रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो सफ़र कर रहा है वो, किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। तो डेफिनेटली सफरिंग एग्जिस्ट करता है। कितना भी आप एनलाइटेंड हो जाओ तो भी हर इंसान सफ़र करता है, बट उसको वो मूल तत्व पता है कि यार ये सब कुछ हो ही नहीं रहा, आई डोंट एग्जिस्ट। उसको वो बात पता है, ये पूरा माया है, ये वो पेड़ वहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली में। वो उस तत्व को जान लेता है, इसलिए वो इतना आनंद में चला जाता है। तो आफ्टर डेथ वाली चीज़ों पे फोकस करो और मेडिटेशन ज़्यादा करो। हाँ, और जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को फ्री रखोगे, जीरो थॉट में रहोगे, उतना अच्छा है। फोर्स मत करना माइंड को, माइंड इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड। वो आप धीरे धीरे जब इस जर्नी में आओगे आप समझ जाओगे। तो आज का मेरा ये वीडियो था। थैंक यू।